ईसा आलाम ने ताजुब से पूछा कि बगैर बारी और दूरअेश पुख्ता है उन्हें अल्लाह तला पर तो दम झाड़ न करवाने वाले बगैर हिसाब वन्नत में जाएंगे अब हम आपस में कहने लगे कि शायद ये सत्तर हजार वो लोग होंगे जो इस्लाम पर ही पैदा हुए हो और पूरी उम्र में कभी अल्लाह तथा शिर किया ही न हो रसूल्ला को जब यह बात मालूम हुई तो फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत की यह कसरत बहुत पसंद आई तमाम पहाड़ियां और मैदान इनसे पुर थे तबरानी और बुखारी मुस्लिम वगैरह की रिवायत में है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हजार सात लाख आदमी जन्नत में जाएंगे जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए होंगे सब एक साथ जन्नत में जाएंगे चमकते हुए चौदहवीं रात के चांद जैसे उनके चेहरे होंगे हुसैन इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैं सईद इब्न जुबैर रही के पास था तो आपने किया रात को जो सितारा टूटा था तुम में से किसी ने देखा था मैंने कहा हां मैंने देखा था यह ना समझिएगा कि मैं नमाज में था नहीं बल्कि मुझे बिच्छू ने काट खाया था सईद रही ने पूछा फिर तुमने क्या किया मैंने कहा दम कर दिया था कहा क्यों मैंने कहा शाबी रही ने बुरैदा बिन हसीब रदी अल्लाह की रिवायत से हदीस बयान की है रसोल्ला ने फरमायाजरे बद और जहरीले जानवरों का दम झाड़ करना जायज़ है, तो है। फरमाया मुझ पर उम्मत पेश की गयी किसी नबी के साथ एक जमात थी किसी के साथ एक शख्स और दो शख्स और किसी नबी के साथ कोई न था अब जो देखा कि एक बड़ी जमात पर नजर पड़ी मैं समझा ये तो मेरी उम्मत होगी फिर मालूम हुआ कि मुझसे कहा गया, कहा गया कि ये आप की उम्मत है और इनके सत्तर हजार और हैं जो बेहिसाब और बेअजाब जन्नत में जाएंगे ये हदीफ बयान फरमा कर रसूल तो मकान पर चले गए और सहाबा आपस में कहने लगे शायद ये रसूल्लाह के सहाबी होंगे कहा नहीं इस्लाम में पैदा होने वाले और इस्लाम पर ही मरने वाले होंगे वगेरा वगेरा। ना, 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 ना शुकून लें बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें दुआ की दरख्वास्त की रसोल्ला ने दुआ की कि या अल्लाह आप इन्हें उनमें से कर लीजिए फिर दूसरे शख्स ने भी यही कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया उकाशा आगे बढ़ गए यह हदीस बुखारी में है लेकिन इसमें दम झाड़ करने का लफ्ज लफ्ज नहीं सही मुस्लिम में यह भी है एक और मुतवल हदीस में है कि पहली जमात तो निजात पाएगी उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे उनसे हिसाब भी न लिया जाएगा फिर उनके बाद वाले सबसे ज्यादा रोशन सितारे जैसे चमकदार चेहरे वाले होंगे यह रिवायत मुस्लिम की है रसूल्ला फरमाते हैं मुझसे मेरे रब का वादा है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हजार शख्स बगैर हिसाब अजाब के दाखिल जन्नत होंगे हर हजार के साथ सत्तर हजार होंगे और तीन लपे और मेरे रब की लपों से अल्लाह इस हदीस में अल्लाह के लपों का सबूत है लप कहते हैं दोनों हाथों को जब आपस में मिलाया जाता है और जो दरमियान में हथेली के दोनों जगह बनती है वो लप है इसमें अल्लाह ताला के लपों का यानी दोनों हाथों को मिलाकर जो दरमियान की जगह होती है उसका सबूत है और इसकी कैफियत अल्लाह की ये लप कैसी है, हमें नहीं मालूम लेकिन इन पर ईमान रखना अहल सुन्ना का तरीक है और इनका इनकार करना या इनका मजाक उड़ाना या इनकी बेजा तवीर करना यह अहल बिनात का तरीक़ा है ये रिवायत किताबो सुनना लिपन में है और इसकी असनाद बहुत उमदा है

मेरे रब ने जो इज्जत और जलाल वाले हैं मुझसे वादा किया है कि मेरी उम्मत में से सत्तर हजार, को जन्नत जाएंगे। फिर एक एक हजार की शफाहत से सत्तर सत्तर हजार आदमी और जाएंगे फिर मेरे रब अपने दोनों हाथों से तीन लपे भर कर और डालेंगे उमर रफी अल्लाह ने सुनकर खुश होकर अल्लाह अकबर कहा और फरमाया उनकी शफात उनके बाप दादों और बेटों बेटियों और खानदान कबीले में होगी अल्लाह करे मैं तो उनमें से हो जाऊं जिन्हें अपनी लपों में कर, में में भरकर आखिर जन्नत ले जाएंगे। इस हदीत की सनत में कोई एक हदीत फरमाई जिसमे ये भी फरमायाजार जो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे मेरा ख्याल है कि इनके आते आते तो तुम अपने लिए और अपने बाल बच्चों और बीवियों के लिए जन्नत में जगह मुकर कर चुके होंगे किसकी सनत भी शर्त मुस्लिम पर है। हैजमिल औसत में हदीस है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वालों का जिक्र करके फरमाया मेरी उम्मत के सारे मुहाजिर तो उसमें आ ही जाएंगे फिर बाकी तदाद आराबियों से पूरी होगी अब रद्न कहते हैं रसूलुल्लाह के सामने हिसाब किया गया तो जुमला तदाद चार करोड़ नब्बे हजार हुई मुस्त अहमद मेंदरते हैं फरमाया सिर्फ मेरी उम्मत जन्नत की चौथाई होगी नारंद किया अल्लाहु कहा, फिर फरमाया मुझे तो उम्मीद है कि तुम अहल जन्नत का तीसरा हिस्सा हो जाओ हमने फिर तकबीर कही फिर फरमाया मैं उम्मीद करता हूँ तुम आधो आध हो जाओ सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि आपने सहाबा से फरमाया क्या तुम राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नतियों के चौथाई हो हमने खुश होकर अल्लाह की बड़ाई बयान की फिर फरमाया कि क्या तुम राजी नहीं हो कि तुम अहले जन्नत के तिहाई हो हमने फिर तकबीर कही आपने फरमाया मुझे तो उम्मीद है कि तुम जन्नतियों के आधो आध आद हो जाओगे तबरानी में यह रिवायत बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या कहते हो तुम जन्नतियों का चौथा हिस्सा बनना चाहते हो कि चौथाई जन्नत तुम्हारे पास हो और तीन और चौथाइयों में तमाम और उम्मतें हो हमने कहा अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल खूब जानते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया अच्छा तिहाई हिस्सा हो तो हमने कहा यह बहुत है फरमाया कहो अगर आधो आध हो तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल फिर तो बहुत ही ज्यादा है रसूलुल्लाह ने फरमाया सुनो कुल अहले जन्नत की 120 सफ़े हैं जिनमें से अस्सी सफ़े सिर्फ़ इस मेरी उम्मत की हैं मुसद अहमद में भी है कि अहले जन्नत की एक सौ बीस सफ़े हैं उनमें से अस्सी सफ़े सिर्फ़ इस उम्मत की हैं ये हदीस तमरानी तिरबेदी वगैरह में भी है ऐसी रहमतों वाले और बेरो नेमतों वाले अल्लाह हम आपके बेानतहा शिक्रदा करते हैं कि आपने हमें ऐसे मुआज़ज व महतरम रसूल सल्ला वसलम की उम्म में पैदा किया आपके सच्चे रसूल वसल्लम की सच्ची जुबान से आपके इस आपक मुँह में तोड़िए और हमें भी उन नेक हस्तियों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए बारी तला आपकी रहमत की अनगिनत और बेशुमार बूंदों से अगर एक खतरा भी हम गुनहगारों पर बरस जाए तो हमारे गुनाहों को धो डालने के लिए और हमें आपकी रहमत और के लायक बनाने के लिए काफी है उस पाक जिक्र के मौके पर हम हाथ उठाकर दामन फैलाकर आंसू बहाकर उम्मीदों भरे दिल से आपकी रहमत का सहारा लेकर आपके करम का दामन थाम कर आपसे भीख मांगते हैं आप कबूल फरमाइए और अपनी रहमत से हमें भी अपनी रजामंदी का घर जन्नतो सता फरमाइए आमीन अलाक आमीन जन्नत में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया का दाखिला होगा सही बुखारी और मुस्लिम में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम तो दुनिया में सबसे आखिर आए और वागा जन्नत में सबसे पहले जाएंगे और इनको किताबुल्ला पहले मिली हमें बाद में मिली जिन बातों में उन्होंने इख्तलाफ किया उनमें अल्लाह ताला ने हमें सही तरीक़ की तौफीक दी जुमे का दिन भी ऐसा ही है कि यहूद हमारे पीछे हैं हफ्ते के दिन और नसरानी उनके भी पीछे इतवार के दिन ये थी वो हदीसें जिन्हें हम इस आयत के तहत में वारिद करना चाहते थे फिलहद ला उम्मत को भी चाहिए कि यहाँ इस आयत में जितनी सिफतें हैं उन पर मजबूती के साथ कायम यानी अमर बिल मरूफ और नहीं आन मुनकर और ईमान बिल्लामरबल रदी ने अपने हज में इस आयत की तिलावत फरमा कर लोगों से कहा कि अगर तुम इस आयत की तारीफ में दाखिल होना चाहते हो तो ये औसाफ भी अपने में पैदा करो इमाम जरीर रही फरमाते हैं अहले किताब इन कामों को छोड़ बैठे थे जिनकी मजम्मत कलामुल्लाह ने की सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके